वेलकम बैक गाइस एंड क्या हाल है सबका। सो भाई आज हम एक गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, एक बाइक का रिव्यू कर रहे हैं जो कि मेरे पीछे एक खड़ी है, आप देख सकते हो ग्रे कलर। कौन सी गाड़ी पे ये मॉडिफाई हुई है इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि ये गाड़ी बबलू भाई ने बनाई है, जिनकी कुछ दो तीन वीडियोज़ पहले भी आप देख चुके हो मेरे चैनल पर। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लें एक बार। मैंने बबलू भाई का गैरेज दिखाया था उसमें कि कितनी बेसिक चीज़ों के साथ वो बाइक पे काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क वो करते हैं, लेकिन आज वो अपना गैरेज में काफ़ी चेंजेस कर चुके हैं सिर्फ उनके हार्ड वर्क की बदौलत। और ये वाली गाड़ी है, ये हमारी वीडियो से ही, वीडियो को देख के किसी सब्सक्राइबर ने इनको ऑर्डर दिया था। तो भाई चलते हैं जहाँ काम दाम काफ़ी है, रिव्यू हम कहीं सेपरेट सी जगह पर जाके करेंगे। तो ये गाड़ी है, लेकिन अगर हम गैरेज की बात करें तो जो लास्ट टाइम हमने देखा, ये देखिए अभी सीलिंग का काम चालू, ये सारा का सारा सीधा कर दिया है भाई ने, और काफ़ी लंबा गैरेज ले गए हैं और ये पूरा सीलिंग का काम ऊपर हो गया। और भाई ने मेरे को बताया नीचे टाइल लगेगी, साइड में भी टाइल लगेगी, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा आप गैरेज कर रहे हैं। उस वीडियो के बाद भाई को 3 से 4 ऑर्डर मिले हैं, एक पे अभी काम चल रहा है, और एक जामा एफ जेंट के बड़े टायर का ऑर्डर भी आया था, उसकी भी वीडियो बनाई थी, ये ऑर्डर भी आया था, एक दो पे और काम चल रहा है। तो सो भाई की मेहनत ही कि जो इन्होंने अपने गैरेज को इतना इम्प्रूव कर लिया, इतना रेनोवेट कर लिया। तो चलिए अभी किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं और वहाँ पे जाके बाइक के बारे में बात करते हैं, बाइक का रिव्यू करते हैं, चलिए। सो गाइस गाड़ी हमारे सामने है, मैं आपको बता दूँ ये TVS अपाची पे गाड़ी बनाई गई है और इसमें 190 टायर इंस्टॉल किया। बबलू भाई के पास भी आएंगे, ज़्यादा डिटेल इसका प्राइस सब कुछ हम पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पर क्या क्या हुआ पड़ा है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई पड़ी है, किस तरह से भाई ने इस पे काम किया, उस सब की बात करते हैं। भाई हमेशा की तरह स्टार्ट हम इसके फ्रंट से करेंगे। फ्रंट में एक 7 इंच की आपको लाइट मिल जाएगी और जिसमें एक DRL है, अंदर लेंस लगे हुए हैं और छोटे छोटे इस पे लेंस काफ़ी है, सर्कल की तरह बने हुए हैं। इसको चला के देखेंगे हम अभी और देखेंगे कि कैसी वर्क करती है कैसी नहीं। और शॉकर जो है इसके, ये अपाची के ही हैं और ओरिजिनल शॉकर उन्हीं को यूज़ किया गया है, और इनके लिए एक हब रखी गई है जो इनको होल्ड करके रखेगी। सो ये आपने देखा होगा थंडरबर्ड में जैसे सिस्टम होता है, और जहाँ बजाज का CD डाउन में एक मॉडल आता था उनमें इस टाइप से लाइट आती थी। सो उस टाइप से कुछ कंसेप्ट है जो बॉबर में है मोस्ट। इसी के साथ बात करें हम मीटर की, तो भाई कस्टम मीटर है, छोटा सा मीटर है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें आपको 3 लाइट्स मिल जाएंगी, एक न्यूट्रल की लाइट आपको मिल जाएगी, लाइट जो हेडलाइट की उसकी मिल जाएगी, और इंडिकेटर की मिल जाएगी। ट्रिप मीटर के साथ साथ ये मीटर है और डिजिटल नहीं है। अगर बात करें हम फ्रंट की, तो फ्रंट में भाई यहाँ पे कस्टम मडगार्ड है, पूरा का पूरा हाथ से बनाया गया ये मडगार्ड, ये आफ्टर मार्केट मडगार्ड नहीं है और पूरा का पूरा लोहे का मडगार्ड है ये। और बात करें हम फ्रंट टायर की, तो भाई ये 120 का 17 इंच में टायर है, अगर आप देखो तो 120 आपको दिख जाएगा, 120 80 17 इंच में 120 नंबर का ये टायर है इसमें यूज़ किया गया। अलॉय व्हील जो है वो अपाची का ही है, ओरिजिनल अलॉय व्हील है, डिस्क अपाची की ही है इसमें। और ये तो होगी फ्रंट की बात। अगर हम थोड़ा ऊपर आते हैं राइजर की बात करें, तो भाई राइजर में भाई ने अपाची पुराना मॉडल है जो 150 आता था उसके राइजर है, उनको काट के भाई ने राइजर बनाया है। और जो हैंडल यूज़ किया है ये यामा FZ का हैंडल यूज़ किया हुआ है भाई ने, और हैंडल के बार एंड इंडिकेटर ये तो आप सबको वैसे पता ही होगा, और एक स्विच लगाया है पार्किंग लाइट के लिए, पार्किंग इंडिकेटर के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट है फ्रंट का। अगर टैंक की बात करें, तो भाई टैंक रॉयल एनफील्ड बुलेट की है, जो कस्टमर की पर्टिकुलर डिमांड थी, भाई को उन्होंने स्पेशली बोला था कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ बुलेट का टैंक ही चाहिए, उसी को भाई ने यहाँ से मोल्ड किया। अगर आप देखो यहाँ से काट के इसको शेप दी हुई है ताकि ये टी इस पर टच ना हो, अगर हैंडल टर्न भी करते हो आप ये देखिए तो ये टच ना हो, और इसी को भाई ने मोल्ड करके इसी को मॉडिफाई किया हुआ है, इसी को बनाया हुआ है। और इसी के साथ अगर सेंटर की बात करें, तो कस्टम टूल बॉक्स भाई ने बनाया हुआ है, और एक साइड इसका पूरा का पूरा बंद रखा हुआ है, इस साइड पूरा का पूरा बंद है, और दूसरी साइड इस पर बॉक्स का कवर लगाया हुआ है जो खुल भी जाएगा, और अगर बैटरी वूटरी जो जितनी भी वायरिंग का जो सिस्टम है वो इसके अंदर ही सारा का सारा हुआ पड़ा है। और इसी के साथ भाई अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ, तो ये कस्टम साइलेंसर है भाई ने इस पर लगाया हुआ, और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आई विश कि ये बाइक बुलेट होती तो इस पर और ज़्यादा अच्छी आती, लेकिन अपाची के लिए भी ये बहुत अच्छी आवाज़ है। सो बुलेट में थोड़ा लाउड होती, थोड़ा बेस होता, अलग टाइप की होती। और अगर आप नीचे से देखो तो पूरा इस टाइप से है इसकी शेप, थोड़ा
तो लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी अच्छी साउंड है, वो हम आपको आवाज़ सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसी के साथ अगर हम बात करें स्विंग आर्म की, तो भाई ये कस्टम स्विंग आर्म और काफ़ी लंबा स्विंग आर्म भाई ने बनाया है, वहाँ से स्टार्ट हुआ पर और यहाँ तक स्विंग आर्म है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा स्विंग आर्म है। ये चीज़ दिख रही होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेकेंडरी फिल्टर है, एक एयर फिल्टर उस साइड है, एक फिल्टर यहाँ पे भाई ने लगाया है जो इंजन को अलग से सप्लाई देता है एयर की। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छी रहती है। सो ये अलग से भाई ने यूज़ किए हुए है जिससे इंजन को अलग से हवा मिलती है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हम अलॉय व्हील की बात करें, तो भाई ने थोड़ा सा इस बार स्टाइल थोड़ा चेंज किया है, जो वन साइडेड जो कार की तरह अलॉय होते हैं उस तरह से डिज़ाइन बनाया है कुछ। अलॉय ये अपाची का ही है और 190 के लिए ये अलॉय बना हुआ है अगर आप देखो तो। और वन साइडेड है, पूरे के पूरे स्पोक इस साइड है, और थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। इसी के साथ टायर की बात करें, तो गाइस ये 17 इंच में 190 का टायर है और काफ़ी ब्रॉड टायर है। जो लास्ट वीडियो क्रिज़मा जो लास्ट में भाई ने मॉडिफाई किया था, वो भी 190 के साथ ही किया गया था। और अगर इस साइड की प्रोफाइल चेक करें, तो इस साइड भी सेम वैसे ही, थोड़ा बहुत काम अभी होना है गाइस। इस बाइक पे थोड़ा सा काम पेंडिंग है, लास्ट टाइम मेरे को सबने बोला था, बहुत से मेरे को कमेंट्स भी आए थे, पढ़ा था मैंने, और जिनमें मेरे को बोला गया था कि भाई एक बार बाइक कंप्लीट हो जाए तभी इस वीडियो बनाया करो। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ और जहाँ भाई रहते हैं वो काफ़ी दूर है मेरे से। सो मेरे को कोई काम हो कुछ हो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं भाई से मिलने आ जाता हूँ। सो आज ये बाइक इतनी बन चुकी थी और ऑलमोस्ट 90-95% कंप्लीट हो चुकी है। सो यही रीज़न है कि जितनी भी बाइक बनी पड़ी है, जितना भी काम कंप्लीट हुआ पड़ा है, मैं उसी की वीडियो बना देता हूँ। इसी के साथ गाइस अगर हम बात करें एयर फिल्टर की, तो यहाँ पे भाई ने एक पाइप जो प्लास्टिक वाली होती है ये यूज़ की है। ये अगर देखो दबाएँ इसको तो ये प्रॉपर प्रेस हो रही है, और यहाँ पर HP का एयर फिल्टर यूज़ किया गया है, और जिसकी फिटिंग भाई ने यहाँ ऊपर चेसी पर लगाई हुई है। इस पर अभी टचिंग का, इसका अभी पेंट का काम होना है, जो भाई बोल रहे थे कि मैं बाद में करवाऊँगा, अभी नहीं करवाऊँगा। सो ओवरऑल अगर आप लुक देखो तो कुछ इस तरह से बाइक की लुक आती है। मैं भाई को अभी बोलूँगा कि भाई इसको एक बार ऑन करके इसकी लाइट दिखा दे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या नहीं। सो भाई को मैं बोलूँगा कि एक बार लाइट इसकी ऑन करें। सो ये भाई इसकी रिंग ऑन होगी, अगर फुल ऑन करोगे तो इसका लेंस भी सेंटर वाला ऑन हो जाएगा, और ये लो बीम है। अगर आप हाई बीम करते हो तो हाई बीम में ये एक छोटे छोटे जो इसमें लेंस लगे हुए हैं, ये भी सारे रिंग टाइप बने हुए हैं, ये भी ऑन हो जाएंगे। तो इस टाइप से कुछ इसकी लाइट है। इसी के साथ अगर इंडिकेटर की बात करूं, तो भाई ने 12 एंड इंडिकेटर इसमें यूज़ किए हैं। पार्किंग स्विच का भी सिस्टम किया हुआ है, दोनों इंडिकेटर वर्किंग है। और पीछे वाले इंडिकेटर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे आपको। ये ब्रेक लाइट के साथ इंडिकेटर हैं, अगर आप देखो तो लाइट आगे की ऑन है, तो इसमें भी पीछे वाली लाइट भी ऑन है, और इंडिकेटर भी इसमें चल रहे हैं। तो काम अभी थोड़ा बहुत होना है इस बाइक पे। मैं भाई को बोलूँगा एक बार बाइक स्टार्ट कर दें, आवाज़ सुन लेते हैं। अच्छी खासी लाउड आवाज़ है इसकी। इस तरह से कुछ लुक आती है, इस तरह से पोस्चर आता है अगर कोई बैठ के इसको चलाता है। ज़्यादा लंबाई राइड हम नहीं ले सकते गाइस, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो एक आपको हल्की सी घुमा के बाइक दिखा दिया कि लुक किस तरह से आती है इस बाइक की। तो लुक अच्छी है ओवरऑल अगर हम देखें तो बाइक ठीक है। अब हम बात करेंगे बबलू भाई से, तो बबलू भाई हमारे यहाँ खड़े हैं, ट्रेन की पटरी में खड़े हैं। भाई इधर आ जाओ, नहीं तो कमेंट आएंगे गालियों भरे कि भाई कहाँ खड़े हो, क्या ये वो, बहुत से कमेंट आ जाते हैं। तो भाई कौन सा मॉडल, वो मैंने वैसे बता ही दिया, अपाची गाड़ी है। चलिए, और कितना खर्चा हो गया, आपने कितना लिया टोटल इस पर? 92,000 भाई। अच्छा, 92,000 के अराउंड आपने कंप्लीट गाड़ी में पूरा गाड़ी अलग। हाँ गाड़ी अलग, मतलब कि पूरा बाकी जितना भी कुछ है जो भी है इंक्लूड टायर वगैरह ये सब। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो रियर टायर है ना, ये सस्ते टायर नहीं होते, ये बहुत कॉस्टली टायर है। अगर आप ऑनलाइन भी चेक, आप खुद ही ऑनलाइन एक बार 190 टायर 17 इंच में चेक करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉस्टली हैं। और ये टायर सस्ते नहीं हैं, और जो सारा का सारा खर्चा जो
मेन होता है ना वो इन टायर की फिटिंग को बनाने में ही होता है मेन जो होता है। सो चलिए भाई से बात करते हैं। भाई कितना टाइम लग गया था इसको? दो महीने। तो भाई कहाँ से आपको ये ऑर्डर मिला है अभी फिलहाल? भाई ताड़ी वीडियो देख के ही कस्टमर आया है। अच्छा, जो लास्ट वीडियो हमने आपकी बनाई थी उसी को देख के कस्टमर आया था। चलिए ठीक है भाई, दुआ करते हैं कि इस वीडियो को देख के भी कोई ना कोई कस्टमर आपके। और मैंने देखा इस बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा आप शॉप पे काम करवा रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो। सो ठीक है, काम ठीक चल रहा है अभी? हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है। हमारी वीडियो बनाने के बाद 2-3 ऑर्डर आ गए आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलो बढ़िया है। सो गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, भाई के पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थी, बहुत ही। अगर किसी ने वीडियो नहीं, भाई किसी को नहीं पता या कोई नए बंदे जुड़े हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो वीडियो जाके देख लो। बिल्कुल बेसिक चीज़ों से भाई काम करते थे और यार सीरियसली, और उस चीज़ को देख के आज उनकी मेहनत देख के आज जहाँ काम हो रहा है उनके गैरेज का, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए भी। सो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप लोग उनका काम नहीं देखते, अगर आप लोग उनको काम नहीं देते तो ये भी पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए अभी चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।